हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचटेट से संबंधित प्रैक्टिस पेपर 6। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये एचटेट लेवल 3 का एग्जाम जो 2013-14 में हुआ था, तो उसकी जो साइको है वो पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा चुके हैं, नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है एचटेट स्पेशल के नाम से, प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, एचटेट से संबंधित वीडियो आपको वहीं पे मिल जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 6। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षीकरण सीखा हुआ व्यवहार है, यह मत दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया प्रत्यक्षीकरण का? तो प्रत्यक्षीकरण दिया है व्यवहारवादियों द्वारा। पाठ्यक्रम में लचीलापन का उद्देश्य है, तो लचीलापन क्या होता है? विद्यार्थी के स्कूल के अनुभव व उपलब्धि में सुधार करना। उसके बाद निम्न में से कौन सा सिद्धांत लियोन फेस्टिंजर ने दिया है? तो कौन सा सिद्धांत दिया उन्होंने? उन्होंने दिया संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत। एक बालक में कितने गुणसूत्र जोड़े होते हैं? तो कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, यानी कि टोटल कितने होते हैं? 46। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो इनमें से सामाजिक प्रेरणा कौन सी है? तो जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है ये आपकी सामाजिक प्रेरणा है। उसके बाद है लिबिडो, यानी कि काम शक्ति है। क्या है काम शक्ति? काम शक्ति एक यौन ऊर्जा है। उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य है क्या? उद्देश्य उपचारात्मक शिक्षा का, तो इसका जो उद्देश्य है ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हर विद्यार्थी के सीखने व निष्पादन संबंधी विशेषताओं की विशिष्टता को समझना। उसके बाद डेनियल गोलमैन के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या महत्वपूर्ण है? भावात्मक बुद्धि। निम्न में से कौन सा अंग सृजनात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है? पहले भी बता चुके हैं सृजनात्मकता की जहां बात आ जाए तो आप सारी सोच कर दीजिए, ऑप्शन बिना देखे आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक अभिवृत्ति का नहीं है? कौन सा घटक नहीं है? नैतिक घटक। जो मूल्य हम परिवार और समाज से सीखते हैं वे हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा कारकों के रूप में। कार्ल रोजर्स बल देते हैं, जो कार्ल रोजर्स हैं ये बल नहीं देते। किस पे नहीं देते? ऑप्शन ए जो है अशर्त सम्मान, यानी कि बिना शर्त सकारात्मक संबंध पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपी कौन सा नहीं है इनमें से? जो पारिस्थितिक परीक्षण है ये नहीं है, बाकी रोर्सर शाही दब्बा, वाक्य पूर्ति परीक्षण और TAT, ठीक है, तीनों ही आपके प्रक्षेपी परीक्षण हैं। हरमन एबिघोस किस क्षेत्र में जाना माना नाम है? तो ये है शाब्दिक अधिगम में। थ्रस्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बताई हैं? थ्रस्टन ने बताई हैं टोटल 7। पठन वैकल्य होता है क्या? होता है अधिगम निर्योग्यता, ठीक है, यानी कि पढ़ने में कठिनाई। निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यक्तित्व को हृदय रोगों के खतरे की संभावना वाले व्यक्तित्व के रूप में माना जाता है? तो ये मानते हैं ए प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है उसको। मनोविश्लेषणात्मक यानी मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन है? तो ये आपके सिगमंड फ्रायड। उसके बाद थर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रक्रिया के लिए सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अधिगम केवल अंतर्दृष्टि द्वारा होता है, ये बिल्कुल गलत है। कोलर द्वारा चिंपैंजी पर किया जाने वाला परीक्षण प्रदर्शित करता है क्या? प्रदर्शित करता है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। आधुनिक समय में मनोविज्ञान को माना जाता है क्या? मानते हैं मानव व्यवहार का विज्ञान। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का लैंगिक चरण आता है किस में आता है? यह आता है 3 से 6 वर्ष में। निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की मापनी नहीं है? तो ये जो गटमैन की चित्रकुंठा मापनी है ये अभिवृत्ति मापन की मापनी नहीं है। उसके बाद है जब प्रतिमाएं किसी विशेष स्थान दिनांक व समय सहित हमारी स्मृति में जम जाती हैं तो वे कहलाती हैं, क्या?
क्या कहलाती हैं? ये कहलाएंगी फ्लैश बल्ब समर्थी। ठीक है, अधिगम अशक्तता में समावेशित है तो क्या समावेशित है? भाषा के समझने या प्रयोग का विकार। निम्न में से कौन सा मापन सबसे निम्न स्तर का मापन है? तो सबसे निम्न स्तर का जो मापन है यह आपका नामिक पैमाना। ठीक है, उसके बाद है यदि बालक की कालानुक्रमिक उम्र 60 महीने तथा उसकी मानसिक उम्र 72 महीने तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुना में होता है इसके 100। ठीक है, तो आप ऐसे ही कर लीजिए, इसको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। मानसिक जैसे 72 है, बटे में 60 और गुना में कर दीजिए 100। ऐसे जीरो से जीरो कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 6, 1 3 4 12, 24 5 120। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका मानसिक का। थार्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा नियम सीखने का प्राथमिक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जो समीपता का नियम है ये नहीं है। जब अधिगम प्रक्रिया में प्राथमिकता व आसन्नता दोनों सिद्धांतों का प्रभाव हो तो अधिगम वक्र किस प्रकार का होगा? किस प्रकार का होगा? ये हो जाएगा आपका यू आकार का। लास्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी की औसत बुद्धि लब्धि होती है कितनी होती है? ये होती है आपकी 90 से 110 के बीच। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से आप ले लीजिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।